हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम लोग पढ़ रहे हैं हिलेर बैलॉक का लिखा इन प्रेज ऑफ इग्नोरेंस। प्रेज का अर्थ होता है प्रशंसा और इग्नोरेंस यानी अज्ञान। ये जो निबंध है ऐसे है जिसका टाइटल है इन प्रेज ऑफ इग्नोरेंस। इसमें बैलॉक लिखते हैं एक बहुत ही डिलाइटफुल यानी आनंद देने वाला और नॉवल मैनर, मतलब बहुत ही एक नया तरीका है, इग्नोरेंस के बारे में ये लिख रहे हैं। और वो इस ऐसे में लिखते हैं, इस निबंध में लिखते हैं कि बहुत साल पहले इरेस्मस नाम के व्यक्ति की एक बुक आई थी जिसका नाम था मोरिया इनकोमियम, जिसका अर्थ होता है द प्रेज ऑफ फॉली यानी बेवकूफ़ी की प्रशंसा। बिल्कुल उसी मॉडल पर आधारित, बिल्कुल उसी सेम स्टाइल में इन्होंने ये अपना निबंध लिखा है। ये कहते हैं कि हमारा जो फील्ड ऑफ नॉलेज है यानी जो हमारा ज्ञान है वो बहुत ही स्मॉल है, बहुत कम है, कंपेयर टू द वास्ट ओशियानिक फील्ड ऑफ अवर इग्नोरेंस, कि कितना बड़ा महासागर जैसा हमारा अज्ञान है। तो इतने बड़े अज्ञान के सामने हमारा थोड़ा सा ज्ञान है, मतलब ज्ञान बहुत कम है, अज्ञान बहुत अधिक है। हम सच में कुछ भी नहीं जानते, उन चीज़ों के बारे में भी नहीं जानते जिनके बारे में हम विश्वास करते हैं कि हमें थोड़ी परिचित हैं ये चीज़ें, उनके बारे में भी हमें कितना पता है। हमारा उनके बारे में जो इग्नोरेंस है वो कहीं ज़्यादा है बजाय कि हमारे नॉलेज के। वो कहते हैं कि ये अच्छा है कि एक व्यक्ति कॉन्शियस रहे, मतलब सचेत रहे अपने अज्ञान के बारे में, क्योंकि अपने अज्ञान का ज्ञान होना ही पहला स्टेप है सीखने का। यदि व्यक्ति ये सोचे कि मुझे तो सब ज्ञान है तो वो सीखेगा ही नहीं। तो सबसे पहले तो उसे इस बात का एहसास होना चाहिए कि मैं अज्ञानी हूँ। जब तक उसे ये एहसास नहीं होगा वो सीखने की कभी कोई कोशिश नहीं करेगा। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि एग्जामिनेशन सिस्टम एक मुसीबत है, एक मेनस है। वो सोचते हैं कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, जबकि हिलेर बैलॉक कहते हैं कि एक चीज़ बहुत अच्छी है एग्जाम्स के बारे में कि इससे रिवील होता है, खुलासा होता है हमें हमारी अज्ञानता का, कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए पर हमें नहीं पता है। बैलॉक ह्यूमरसली कहते हैं, मतलब मजाक करते हुए कहते हैं कि इग्नोरेंस का एक स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट भी है, एक आध्यात्मिक गुण भी है, ये हमारे मन को आनंद से भर देती है। बैलॉक कहते हैं इग्नोरेंस इज अ वेरी ड्रॉट ऑफ ब्यूटीट्यूड, एक शब्द का प्रयोग हुआ है ब्यूटीट्यूड, जिसका अर्थ होता है स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, आध्यात्मिक आनंद, आध्यात्मिक जॉय। तो वो कहते हैं कि ये उसकी एक ड्रॉट है, मतलब उसकी एक बूंद है। ड्रॉट का अर्थ होता है बूंद। यहाँ पे आपने देखा होगा ड्रॉट की स्पेलिंग है DRAUGHT, और जो हमारा वो होता है सूखा या अकाल पड़ना उसकी स्पेलिंग अलग होती है, वो होता है DROUGHT। ये है DRAUGHT, यानी कि एक घूंट जो हम पीते हैं उसको ड्रॉट बोलते हैं। तो ये तो ब्यूटीट्यूड का ड्रॉट है यानी आध्यात्मिक आनंद का घूंट है। बैलॉक के विचार से हमारे जितने भी प्यार हैं, हमारी हीरो वर्शिप है, हमारे ड्रामास हैं, हमारी पीस को लेकर होप है फ्यूचर के लिए, और जो हमारा फॉर्च्यून को लेकर, भाग्य को लेकर हमारा विजन है, ये सभी फ्रूट हैं इग्नोरेंस के, ये सभी फल हैं अज्ञान के। ऑफन यानी अक्सर हम लोग खुश होते हैं क्योंकि हम नहीं जानते कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। हम सोचते हैं वो लोग हमारे प्रति फ्रेंडली हैं, दोस्ताना व्यवहार रखते हैं, कि उनके मन में हमारे लिए लव है, रिस्पेक्ट है, बट एक्चुअल में फैक्ट तो ये है कि ये एक फॉल्स शो होता है, एक झूठा दिखावा होता है। इनफैक्ट वो लोग सिर्फ हमें टॉलरेट कर रहे हैं, हमें सहन कर रहे हैं, उनके मन में हमारे प्रति बहुत सारी ग्रजेज हैं यानी नफ़रतें हैं, GRUDGES यानी नफ़रतें, और वो इस बात को एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपनी रियल फीलिंग्स को हमारी प्रेजेंस में यानी हमारे सामने। बैलॉक कहते हैं कि नॉलेज के कंपैरिजन में हमारा इग्नोरेंस बहुत वास्ट है यानी बहुत बड़ा है। हमारा इग्नोरेंस हमें खुश रखता है। जब भी हम कोई ब्यूटीफुल लैंडस्केप देखते हैं, कोई सुंदर दृश्य देखते हैं, इससे हमें बड़ी खुशी मिलती है।
उसका जो चार्म है वो हमें अट्रैक्ट करता है। बट यदि हमें पता चल जाए कि यहाँ पर बड़े विकेड लोग रहते हैं, WICKED यानी दुष्ट लोग रहते हैं, तो इससे हमारी हैप्पीनेस तुरंत ही वैनिश हो जाएगी यानी खत्म हो जाएगी। हम लोग हमारे दोस्तों से जब डिपार्ट होते हैं यानी जुदा होते हैं, तो इस विचार के साथ होते हैं कि हमारे लिए इनके मन में लव है, अफेक्शन है यानी लगाव है। बट यदि हमें उनके असली थॉट्स पता चल जाएं, उनके असली व्यूज़ पता चल जाएं, तो हम कितने उदास हो जाएंगे। हम लोग कई डिफ़िकल्टीज़ और सिचुएशंस को फेस करते हैं बहादुरी के साथ, ब्रेवली, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा। हमारी फ्यूचर हैपनिंग्स यानी जो भविष्य में होने वाला है उसके प्रति जो हमारी इग्नोरेंस है, हमारी अज्ञानता है कि हमें नहीं पता कि आगे जाके क्या होगा, इसी की वजह से हम कई महान एडवेंचरस डीड्स कर पाते हैं। एडवेंचरस यानी रोमांचकारी और डीड का अर्थ होता है कर्म, DEED, कि हमें नहीं पता कि आगे जाके सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसलिए हम उसके लिए प्रयास करते हैं। यदि किसी को पता हो कि सक्सेस मिलेगी तो वो मेहनत ही नहीं करेगा, और यदि किसी को पता हो कि सक्सेस नहीं मिलेगी तो वो प्रयास ही नहीं करेगा। पर क्योंकि हमें नहीं पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इसीलिए हम लगातार कोशिशें करते हैं। यदि हमें पता हो कि क्या रिजल्ट होने वाला है तो हम कभी कोई डेंजर फेस करेंगे ही नहीं। इसी प्रकार इग्नोरेंस के बहुत सारे एडवांटेज हैं हमारी लाइफ में। ये हमें खुश रखता है, ये हमसे कई बहादुरी वाले कर्म करवाता है, ब्रेव डीड्स करवाता है। हिलेयर बेलोक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देते हैं कि एक आदमी था जिसे बड़ा गर्व था कि उसकी बहुत ही खुशियों वाली सफलतापूर्वक ज़िंदगी है। वो एक प्रकार का सफल बिजनेसमैन था एडवर्टीजमेंट की दुनिया का। एक बार एक लंच में, यहाँ पर वर्ड का प्रयोग किया है इन्होंने LUNCHEON, उसका अर्थ वही होता है कि लंच, एक बार वो लंच पे गया जहाँ पर उसने एक राइटर को बताया कि वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड है अपनी ज़िंदगी से। और देखिए क्या कमाल हुआ कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसका एक कार एक्सीडेंट हो गया और वो घायल हो गया, उसका जबड़ा टूट गया, और अब वो कभी डींगे नहीं मार पाएगा अपनी खुशी की, वो कभी बोस्ट नहीं कर पाएगा। उसकी ये इग्नोरेंस कि कोई एक्सीडेंट होने वाला है, क्योंकि उसे नहीं पता था कोई एक्सीडेंट होने वाला है, इसी वजह से वो खुश था। इग्नोरेंस है जब तक तब तक हम खुश हैं, हमारे अंदर हैप्पीनेस है। हिलेयर बेलोक अपनी बात को विराम देते हैं, अपने इस ऐसे को, निबंध को कंक्लूड करते हैं ये कहते हुए, इन कंसिडरेशन ऑफ ऑल दिस, इस सब की वजह से, इस सब को ध्यान में रखते हुए, मैं धन्यवाद देता हूँ गॉड को कि उन्होंने मुझे अज्ञानी बनाया, और इस वजह से मैं कम अभाग्यशाली हूँ, मतलब कम अनफॉर्चुनेट हूँ। ज़्यादातर लोग जो हैं वो अज्ञानी हैं, ये उनके लिए अच्छा है। सिर्फ इग्नोरेंस की वजह से ही मैं अपनी जो मॉर्टल ज़िंदगी है यानी नश्वर जीवन, उसके जो रफ सीज हैं, मतलब मुश्किलों भरे समुद्र, उनकी यात्रा कर पाता हूँ। मैं सिर्फ इसलिए ज़िंदगी में आगे बढ़ पाता हूँ क्योंकि मैं अज्ञानी हूँ। यदि कोई व्यक्ति इग्नोरेंस नहीं रखता तो वो कभी कोई एडवेंचर फेस नहीं करता। इसी के साथ हमारा इस निबंध का समरी और हिंदी एनालिसिस खत्म होता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। जल्दी फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ लिटरेचर का। हमारे साथ जुड़े रहें रोज नए नए टॉपिक सीखने के लिए।